मित्रों, मैं सुनील लखोटिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेचोमेट्री। मतलब कुल मिला के हम जब स्ट्रेचोमेट्री का नाम सुनते तो हमें एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि यार ये टफ टॉपिक है, इसको छोड़ देना चाहिए। नहीं, ये सबसे आसान है। कैसे, समझते हैं। पहले हम इस लेक्चर में जानेंगे कि स्ट्रेचोमेट्री होता क्या है, फिर दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि ये बना कैसे है, तीसरा कंसेप्ट ये बना है तो इसका उपयोग कैसे लेंगे, इसमें किस तरह के रूल्स या किस तरह की कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व होगी, और लास्ट में मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये चैप्टर या टॉपिक बहुत आसान लगेगा। वास्तव में ये बहुत आसान है, किसी भी लेवल पे, मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो। तो दिमाग में से पहले तो इसका डर को निकालो, ठीक है ना। बहुत आसान है, समझते हैं कि है कैसे, इसको कंसेप्चुअली समझना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। स्ट्रेचोमेट्री इज द कैलकुलेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द केमिकल रिएक्शंस। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो आप देखते हो, बेसिक कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, उसके अंदर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जो ये बताता है कि इतना रिएक्टेंट लिया जाए कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में जानकारी ली जाए, तो वो यही टॉपिक होता है। या इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट लिया जाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसी में इन्वॉल्व है, और हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो अभी मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रेचोमेट्री इज फाउंडेड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेयर द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी ये जो स्ट्रेचोमेट्री कंसेप्ट बना है ये कंजर्वेशन ऑफ मास को लेके बना है। वैसे भी मास और एनर्जी और चार्ज, ये तीन चीजें तो हमारे लिए कंजर्व है, भले वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ ये कैसे यूज होगी इसको थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। एक बार पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा है द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो बैलेंस है एटम वाइज या एंड चार्ज वाइज, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड स्ट्रेचोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी उसको हम स्ट्रेचोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। एंड बैलेंसिंग कॉफिशियंट इज कॉल्ड स्ट्रेचोमेट्रिक कॉफिशियंट, उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो बैलेंसिंग कॉफिशियंट लिए हैं उसे हम स्ट्रेचोमेट्रिक कॉफिशियंट से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो अभी तक हमने ये समझा है कि ये केमिकल रिएक्शन होती होगी जिसको हमने बैलेंस किया होगा, और बैलेंस करने के लिए हमने कोई कॉफिशियंट लगाए होंगे, तो वो इक्वेशंस को तो हम बोलेंगे बैलेंसिंग, बैलेंस इक्वेशंस कॉफिशियंट या स्ट्रेचोमेट्रिक इक्वेशंस, और जो कॉफिशियंट यूज किए होंगे हमने बैलेंसिंग के लिए उसको बैलेंसिंग कॉन्स्टेंट या बैलेंसिंग फैक्टर या बैलेंसिंग कॉफिशियंट, कुछ भी इस तरह का ले लेंगे, और या फिर उसको बोलेंगे स्ट्रेचोमेट्रिक कॉफिशियंट। तो ये इतने सारे नाम एक ही हैं, बस आप ध्यान से सुनते जाएं। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। हमारे पास एक एग्जांपल है एन टू प्लस थ्राइस एच टू ट्वाइस एन एच थ्री। बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि अमोनिया फॉर्मेशन है। इसमें हमने क्या देखा, एन टू का वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के थ्री मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यहाँ पर जनरेट होगी। तो ये एक बैलेंस इक्वेशंस आपने देखा, और इसी को हम स्ट्रेचोमेट्री इक्वेशंस भी बोलेंगे। अब ये जो 1, 3, 2 है ये कहलाएंगे बैलेंसिंग या स्ट्रेचोमेट्रिक कॉफिशियंट। इज दैट क्लियर? अब सेकंड पार्ट कि हम इसमें क्या क्या चीजें नहीं पा रहे हैं, नया क्या देखने को मिल रहा है, उसको मैंने की पॉइंट में इन्वॉल्व किया है। कोई भी बैलेंसिंग इक्वेशंस है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी ए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस फॉलोज द फॉलोइंग रूल। फर्स्ट, कंजर्वेशंस ऑफ मास, यानी आप मान के चलिए जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सेकंड, कंजर्वेशंस ऑफ एटम्स, यानी एटम्स आपके पास जितने रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एटम्स के देख लीजिए या टोटल देख लीजिए, दोनों दोनों तरफ बराबर होंगे। समझते हैं कैसे, N2 के यहाँ पर कितने एटम दिख रहे हैं, 2, तो उस तरफ भी क्या होंगे, 2। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको इसका मतलब आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 6, यहाँ पर कितने आ रहे हैं टोटल, 6। बस अंतर ये है कि पहले वो इंडिविजुअली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में थे, अब वो अमोनिया के साथ अटैच हैं। किसी के साथ भी अटैच हो,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटल एटम्स आपके क्या रहेंगे, कंजर्व। कंजर्व का मतलब तो जानते हैं ना, कंजर्व का मतलब है कि इट नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ एटम के अलावा एक और चीज कंजर्व रहती है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो मैंने नहीं लिखा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, टोटल मॉलिक्यूल्स मे बी चेंज, हो सकता है सेम आ जाए, हो सकता है अलग आ जाए। यहां देखते हैं, यहां सेम है या अलग है। टोटल मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में कितना है आपके पास, 1 + 3 = 4। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2। यानी मोल चेंज, मोल मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं, यस मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल इज नॉट ए कंजर्वेशन क्वांटिटी, मॉलिक्यूल कंजर्वेशन क्वांटिटी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या चीज कंजर्व है, चार्ज, एटम, मास। मॉलिक्यूल मे बी सेम मे बी डिफरेंट, तो वो एक जगह भी अगर डिफरेंट हो गया तो फिर हम उसको कंजर्वेशन क्वांटिटी नहीं कहते। हो सकता है कुछ रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल सेम आ जाए, हो सकता है, लेकिन हमेशा तो नहीं होगा ना। जो चीज हमेशा हो उसी को कंजर्वेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है कि हम इसको केमिकल इक्वेशन को प्रैक्टिकली या कैसे समझें। हमने ये समझ लिया हाँ थ्योरी अच्छी है, लेकिन कैसे इसको हमारे दिमाग में उतारना है, तो वो अब हम आते हैं पॉइंट्स पे। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, एक बैलेंसिंग इक्वेशंस की मदद से मैं आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशन जनरेट करना चाह रहा हूँ, और वही स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशंस का काम है। फॉर एग्जांपल समझना, आप बहुत पुराने जमाने में चले जाइए जब रुपए नहीं होते थे, यानी रुपए डॉलर कुछ भी नहीं चलता था, हर चीज एक दूसरे के बदले में ली जाती थी। एग्जांपल, कोई आदमी के यहाँ पर आम का पेड़ है, किसी के यहाँ एप्पल है, आपस में एक्सचेंज करने हो तो आम के बदले एप्पल, या फिर टमाटर है, किसी के यहाँ आलू उगा हुआ है तो भाई मैं तुम्हें टमाटर दे देता हूँ, तुम मुझे उसके बदले में आलू दे दो। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस चला करता था। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, सपोज किसी गांव में ऐसा सिस्टम होगा कि उस समय आलू और टमाटर में आलू ज़्यादा होंगे, टमाटर कम होंगे, तो इस तरह से होगा, 3 आलू के बदले में दो टमाटर। क्या बोला मैंने, 3 आलू के बदले में 2 टमाटर। तो ये 3 और 2 जो बता रहे हैं आपस में रिलेशन, ये तो हो गए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इज दैट क्लियर? अब किसी के पास 300 आलू हैं, तो 300 आलू के बदले में वो कितने टमाटर लेगा, 200 टमाटर। इज दैट क्लियर? तो 300 और 200 में ले सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है किसी ने कहा कि मेरे पास आधा आलू है, अब तुम बताओ कितना टमाटर दोगे? नहीं। इसी तरह से हाफ मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, हाफ मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल, इन सब का ट्रांजिशन पॉसिबल है। आ रही है बात समझ में? हाँ, ऐसा बोल सकता है कि मेरे पास आधा यानी हाफ मिलियन टमाटर है, मिलियन या बिलियन, तो तुम बताओ कितना दोगे? हाफ मिलियन अपने आप में एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन बिलियन लगने के बाद फ्रैक्शनल क्वांटिटी नहीं है। अगर आप बिलियन या मिलियन नहीं लगा रहे तो क्या वो फ्रैक्शनल क्वांटिटी बनेगी? हाँ। इंडिविजुअली अगर किसी ने बोल दिया कि हाफ मॉलिक्यूल, गलत है, हाफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल सही है, क्योंकि मोल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, जो आप जानते हैं 6 × 10^20 थी राउंड फिगर में, तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी बनती है? नहीं। तो ये एक इंटीजर नंबर बनता है, और इंटीजर नंबर में हमारी कैलकुलेशंस बनाई जा सकती है। तो कुछ छोटा सा कंसेप्ट हमें समझना है कि हम क्या ले सकते हैं। हम ये ले सकते हैं इक्वेशन में, जैसे एग्जांपल लिया, इन द स्पेसिफिक रिएक्शंस में हम ये बता सकते हैं इसके ए मॉलिक्यूल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मॉलिक्यूल ऑफ बी प्रोड्यूस सी मॉलिक्यूल ऑफ सी एंड प्रोड्यूस डी मॉलिक्यूल ऑफ डी। क्या बोला, एक बार और से समझना, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मॉलिक्यूल ऑफ बी प्रोड्यूस सी मॉलिक्यूल ऑफ सी प्रोड्यूस डी मॉलिक्यूल ऑफ डी। यानी ये जो ए बी सी डी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, क्या है ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आपको इनके मॉलिक्यूल्स के रेशियो को बता रहे हैं कि हाँ इसका इतना मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा, इतना इसका मॉलिक्यूल बनेगा, इसका इतना मॉलिक्यूल बनेगा। इज दैट क्लियर? ये डायरेक्ट मास में नहीं बता रहे कि इसका 1 ग्राम इसके 20 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 30 ग्राम बनेगा, इसका 1.5 ग्राम बनेगा, ये नहीं बता रहे, सिर्फ मॉलिक्यूल में बता रहे हैं। हो सकता है एक टमाटर और एक आलू के वजन में अंतर हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने अभी हाल एग्जांपल लिया था कि भाई 3 आलू के बदले में 2 टमाटर, तो मैं ये नहीं बोल सकता 3 किलो आलू के बदले में 2 किलो टमाटर। क्यों नहीं बोल सकता? इसलिए नहीं बोल सकता भाई,
हो सकता है कि एक भारी और एक हल्का हो, तो उसके दो दो आलू का वजन ही बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत चेंजे जा सकता है, इसलिए ये चीज मास में डायरेक्ट नहीं चल सकता। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला है ए मॉलिक्यूल ऑफ ए, बी मॉलिक्यूल ऑफ बी, यानी इसका एक ए मॉलिक्यूल, अगर इसके पास 100 लगा रहे हैं, ए 100 मॉलिक्यूल ऑफ ए रिएक्ट विद बी 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी, प्रोड्यूस सी 100 ऑफ मॉलिक्यूल सी, प्रोड्यूस डी 100 मॉलिक्यूल ऑफ डी, तो सबके साथ 100 लगा दो, सबके साथ मोल लगा दो, सबके साथ मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो भी आपको लगाना है वो लगा लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इसके साथ मोल लगाया तो फिर सबके साथ मोल लगेगा, इसके साथ 1000 लगाया तो सबके साथ 1000 लगेगा। इज दैट क्लियर? क्या नहीं कर सकते हम, इस बात का ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं लिख सकते इसके ए ग्राम इसके बी ग्राम से रिएक्ट करेंगे, नहीं, इसका ए मोल इसके बी मोल के साथ रिएक्ट करेगा। अब बाद में आप चाहो तो मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मोल कंसेप्ट पड़ा हुआ है, आप यूज कर सकते हो। फिर भी आपको अभी दिक्कत आ रही है, आप मेरे कुछ गुरु मंत्र हैं उनको यूज करो। तो मैं रूल नंबर वन बोल रहा हूँ, ये आपको डायरेक्ट बिना दिमाग लगाए आंसर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिएक्टेड मास ऑफ ए, यहाँ रिएक्टेड मास सॉरी रिएक्टेड मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिएक्टेड मोल ऑफ बी निकालना चाह रहे हो, तो ये जो इनका रेशियो है वो इनके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर ही होगा, जो कि ए रेशियो बी है। इज दैट क्लियर? यानी आपको जिन दो के बारे में हो, वो दोनों रिएक्टेंट हो सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट ऊपर रख सकते हो, प्रोडक्ट नीचे रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो रेशियो लिया जाए उसका कॉफिशियंट वैसे का वैसे ही यहाँ लिया जाए, यानी अगर यहाँ पर ए बी है तो इस तरफ भी उनके स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशियंट आएंगे ए बी, अगर यहाँ पर ए और नीचे प्रोड्यूस मोल ऑफ सी है तो यहाँ पर ए डिवाइडेड बाय सी आएगा, क्या आएगा, सी, क्योंकि सी का कॉफिशियंट स्मॉल सी है, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी उनके कॉफिशियंट है। नेक्स्ट, अगर आपको मास में ही कैलकुलेशन करनी है, किस में करनी है, मास में ही, तो रिएक्टेड मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिएक्टेड मास ऑफ बी, ये तो रेशियो हुआ। अब आप डायरेक्ट ए बाय बी नहीं करेंगे, आपको एक और फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ मोलर मास ए, आप ए का मोलर मास निकालना जानते हैं, उसको उसी के स्ट्रेचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास ऑफ बी उसको उसी के स्ट्रेचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाकर इनका तब जाकर आपको इनका रेशियो मिलेगा। इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है? कुछ प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। आ रही है बात समझ में? तो इसको मैं एक पूरा रेंज में लेता हूँ और कुछ एग्जाम्पल करा रहा हूँ। तो पहले इनको लिखें आप जल्दी से। हाँ तो मित्रों, अभी हमने स्टोइचोमेट्री को देखा और स्टोइचोमेट्री यानी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना कि भाई एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस क्या है, लेकिन हमारा अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्वांटिटी दी जा रही है तो कोई और सब्सटेंस की क्वांटिटी पूछा जा रहा है तो हम उसे कैसे निकालेंगे, ये सारा हमारे को कैलकुलेशंस करना है। वो गिवन क्वांटिटी आपको किस केस में दे सकता है, जनरली वो मास या मोल में देता है, रेयर केस में वो आपको प्रेशर वॉल्यूम में भी दे सकता है। तो इस तरह से आपको क्वांटिटी किसी भी टर्म में दी जाए और किसी भी टर्म में पूछी जाए, आप कैसे करेंगे, इसके लिए मेरे पास है दो गुरु मंत्र, दोनों आपके लिए बेस्ट हैं। अब इनको अप्लाई करना सीखें, ध्यान से सुनेंगे। तो गुरु मंत्र फर्स्ट किस तरह से अप्लाई करते हैं देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो ये मेरा गुरु मंत्र है फर्स्ट, ये इस तरह से लग रहा है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, N2 plus thrice H2 convert in twice mole of ammonia, is that clear? Means one mole of N2 react with three mole of H2 produce two mole of ammonia. मैं पहले ही पार्ट में बता चुका था कि वन मोल, मोल बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो आप मोल में ही बात करेंगे, अगर एक जगह मोल लगा दिया तो सब जगह मोल लगेगा, और एक जगह आपने मॉलिक्यूल लिखा वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 react with three मॉलिक्यूल ऑफ H2 then produce two मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो फिर एक जगह मॉलिक्यूल लगा दिया तो फिर सब जगह मॉलिक्यूल लगेगा, लेकिन मैं सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल में रिएक्शन नहीं कर सकता, एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है या दो मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, तो उसको भूल जाओ, मैं हमेशा बात किस में करूंगा, वन मोल मॉलिक्यूल्स में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, या मिलियन बिलियन कुछ तो लगाऊंगा, वन मिलियन ऑफ N2 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 3 मिलियन ऑफ H2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 मिलियन ऑफ अमोनिया। अब लग रहा है हाँ कोई स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, और भी बड़ा किसी में भी ले सकते हैं। तो गुरु मंत्र फर्स्ट कैसे लगता है, ध्यान से सुनना, गुरु मंत्र मैंने फर्स्ट कैसे लगाया, मैंने स्टार्ट किया है, एक इक्वेशन निकाला है कि भाई जिसका जितना मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक
ठीक है, उसमें उतना ही उसी का कॉफिशियंट डिवाइड कर दिया जाए तो ये वैल्यू थ्रू आउट द इक्वेशन सेम आती है. फॉर एग्जाम्पल एन टू के जितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, कौन से गिवन नहीं जो रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें उसी का कॉफिशियंट जो कि वन है डिवाइड कर दिया. एच टू के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, उसका वही कॉफिशियंट डिवाइड कर दिया. अमोनिया के कितने मोल बनेंगे डिवाइडेड बाय टू. अब इन तीन टर्म में से कोई भी एक टर्म दे दी जाए तो बाकी की टर्म हम निकाल लेंगे. इज दैट क्लियर? तो गुरु मंत्र फर्स्ट लगाना बहुत आसान है, लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा हमें कैसे मालूम पड़ेगा कितने मोल इसके रिएक्ट हो रहे हैं. देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. हमें अभी तक के लेवल में जो अमाउंट दिया जा रहा है, हम बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि वो पूरा का पूरा अमाउंट रिएक्ट हो रहा है अभी तक. तो आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो हम बताना सीखेंगे कि वो कैसे निकालेंगे कि कितना रिएक्ट हो रहा है. लेकिन टिल दिस पॉइंट हमें यही लेके चलना है कि जो भी गिवन सब्सटेंस है या गिवन क्वांटिटी है वो पूरी कंज्यूम हो रही है. इज दैट क्लियर? और एग्जामिनर एक साथ अभी दोनों की क्वांटिटी नहीं देगा. क्या नहीं देगा? दोनों की क्वांटिटी एक साथ नहीं देगा. या तो वो N2 की देगा और H2 की पूछेगा कितनी कंज्यूम हो रही है, या H2 की देगा N2 की कितनी कंज्यूम हो रही है एंड अमोनिया की कितनी प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह से वो पूछेगा अभी तक के लेवल में. तो फिर अब आपको ये दिया जा रहा है, सपोज N2 के X मोल कंज्यूम होंगे तो बताइए हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम होंगे, अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे. आप बहुत आसानी से इस इक्वेशंस को लगा सकते हैं. इसमें जितने N2 के कंज्यूम हो रहे हैं, H2 के कंज्यूम हो रहे हैं, अमोनिया के प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय उन्हीं के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने डिवाइड करके ये पॉइंट लिख लिया है. अब बात आती है अगर क्वांटिटी आपको मोल में नहीं दी जा रही है. क्या बोला मैंने? मोल में नहीं दी जा रही है तो किस में दी जा सकती है? सपोज मास में दी गई है तो आप क्या करेंगे? आप कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाएं. मोल को मास में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास. मैंने वही किया, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोल हो गया कितना है मोलर मास N2 का? 28, H2 का 2, अमोनिया का 17. इस तरह से मैंने मोल की जगह वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास रख दिया और वही इक्वेशन दोबारा बना दी. तो ये गुरु मंत्र फर्स्ट का ही पार्ट है. Is that clear? आपको मोल दिए जा रहे हैं, अब मोल यूज करो. आपको वेट दिया जा रहा है, वेट यूज करो. लेकिन अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक का मोल दिया जा रहा है, दूसरे का मास पूछा जा रहा है, या पहले का मास पूछा जा रहा है, दूसरे के मोल दिए जा रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है. ये सब आपस में भी इक्वल होंगे, यानी ये सब आपस में भी इक्वल होंगे. ये पूरा कंटेंट एक दूसरे के इक्वल है. आ रही है बात समझ में? इवन ये पूरा एक दूसरे के इक्वल है, सब एक दूसरे के इक्वल है. आप इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं. आपने मोल की जगह क्या रख सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशंस के थ्रू आप जानते हो पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी. आई अगेन रिपीट, पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी. यहां पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन मोल है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेंपरेचर है. तो मोल की जगह क्या लिख सकते हैं आप? पीवी अपॉन आरटी. मैंने वही किया, मोल की जगह पीवी अपॉन आरटी लिख दिया. H2 के मोल की जगह PV अपॉन RT H2, PV अपॉन RT अमोनिया. तो इस तरह से मैंने ये चीज अप्लाई कर दी और डिवाइडेड बाय उन्हीं के कॉफिशेंट. अब एक ही कंटेनर में हो रहे तो एक ही कंटेनर में सभी गैसेस के लिए टेम्परेचर तो क्या होंगे? सेम. तो ये सेम होती है, R कॉन्स्टेंट है, T सेम है, इसका मतलब RT क्रॉस हो गया. ऐसा भी हो सकता है कि उनके वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका प्रेशर कॉन्स्टेंट हो. तो एक टर्म और क्रॉस हो जाएगी. तो अगर एक टर्म क्रॉस हो गई तो फिर दूसरी टर्म का रेशियो आपके पास आ जाएगा. दोनों बराबर नहीं हो सकती, ठीक है ना? तो इसलिए कोई भी एक टर्म और क्रॉस होने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं. उस कंडीशन में आपको हो सकता है इसका वॉल्यूम दिया जाए, इसका वॉल्यूम पूछा जाए, इसका वॉल्यूम पूछा जाए, तो आपको प्रेशर बराबर दिया जाएगा. प्रेशर वाली टर्म को क्रॉस कर दीजिएगा और बाकी की टर्म को निकाल लीजिएगा. तो ये गुरु मंत्र फर्स्ट लगाना बहुत ही आसान है. आप इसको यूज करना सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे. लेकिन एक बार गुरु मंत्र टू पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? चलिए तो अब गुरु मंत्र टू क्या है? गुरु मंत्र टू गुरु मंत्र वन का ही नया वर्जन है. जैसे एंड्रॉइड में वर्जन चेंज हो रहे हैं, मेरे अप्रोचेस में भी वर्जन चेंज होते जाएंगे. तो ये गुरु मंत्र टू फर्स्ट का ही अप्रोच है. तो किस तरह से मेरे को करना है? मुझे ये जो क्वेश्चंस करता था मैं, ये टू स्टेप्स में होते थे और मैं चाहता हूँ कि वो वन स्टेप्स में हो. डायरेक्ट आंसर मुझे क्या पूछा जा रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा. फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन मैंने लिया, कोई भी इक्वेशन है, इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी यहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं. इज दैट क्लियर? अब आगे कैसे हम सोचते हैं? फर्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रोड्यूस मोल ऑफ सी, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
प्रोड्यूस मोल ऑफ सी, जिसको आप एनसी भी बोल सकते हो, किसके मोल पूछे जा रहे हैं, प्रोडक्ट के, तो क्या वर्ड लगेगा, प्रोड्यूस। रिएक्टेंट होता क्या लगता वर्ड, रिएक्टेड। तो यहां पर आपके पास आ रहा है प्रोड्यूस मोल ऑफ सी, और किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है वो देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में अलग अलग के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी। तो चलिए, यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है ए के बारे में। तो आपने क्या लिखा है यहां पर, प्रोड्यूस मोल ऑफ सी इज इक्वल टू, जिसके मोल दिए गए, सपोज ए के मोल दिए, क्या दिए गए, मोल, मैं पहले ही बोल रहा हूं मास नहीं, मोल। तो जिसके मोल दिए गए उसको उसी के कॉफिशियंट से डिवाइड करो ए से, और जिसके मोल निकालने उसी के कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई करो। तो जिसके मोल है दिए जा रहे हैं उसका डिवाइडेशन होगा, जिसका निकालना है उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये वाली लाइन सिर्फ मोल से मोल में कन्वर्ट करने के काम आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को प्रोड्यूस मोल ऑफ सी निकालने, लेकिन इंफॉर्मेशन बी के बारे में दी गई है, पहले ए में दी थी अब बी के बारे में दी गई है, तो आप कैसे करेंगे, प्रोड्यूस मोल ऑफ सी इज इक्वल टू एन बी, यानी रिएक्टेड मोल ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय, जिसके मोल निकालने हैं उसका कोफिशियंट ऊपर, जिसके दिए जा रहे हैं उसका कोफिशियंट नीचे। तो सी के पूछे जा रहे हैं, बी के दिए गए, सी बाय बी करेंगे। इज दैट क्लियर? ये बैक में भी लगता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी लगता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर प्रोड्यूस मोल ऑफ सी दिया हुआ है तो, और आपसे पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड मोल ऑफ ए, तो रिक्वायर्ड मोल ऑफ ए कैसे निकालेंगे, प्रोड्यूस मोल ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय, निकालना क्या है, ए या सी, ए, तो ए का कोफिशियंट ऊपर, जिसका निकालना है उसका कोफिशियंट ऊपर, और जिसका दिया जा रहा है उसका नीचे, तो ए बाय सी हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड मोल ऑफ बी, बी के मोल निकालने, ध्यान से सुनना, दिए किसके, सी के, तो मोल ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय, जिसके निकालना है उसका कोफिशियंट ऊपर यानी बी, जिसके कोफिशियंट दिए गए यानी कि सी। इज दैट क्लियर? इसको समझें। अब अगला पॉइंट, अगर ये मोल मोल में ना हो, यानी ये पूरा एनालिसिस मोल मोल में ना हो के मास मास में हो, तो फिर हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम यहां पर करेंगे इस तरह से, प्रोड्यूस मास ऑफ सी, यानी हमें मास पूछा जा रहा है और मास ही दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, प्रोड्यूस मास ऑफ सी, ठीक है, दिया क्या जा रहा है हमारे को, मास ऑफ ए। अगर मास ऑफ ए दिया जा रहा है तो पहला काम उसको मोल में चेंज करो, पूरी कैलकुलेशन मोल में कन्वर्ट करनी होती है। तो ए के मोल कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गया, ए के मोल आ गए, अभी किसके मोल आए, ए के। हमें ए के मोल को किस में कन्वर्ट करना है, सी के मोल में, समझना, सी के मोल में। तो कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा, क्या होगा, जिसके मोल निकालने उसका कोफिशियंट ऊपर और जिसके दिए गए उसका कोफिशियंट नीचे। तो ये सी बाई ए एक तरह से कन्वर्जन फैक्टर है, जो कि सीधे ए के मोल को किस में कन्वर्ट कर देगा, सी के मोल में, यानी प्रोड्यूस मोल ऑफ सी। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है, हमसे तो मोल पूछे ही नहीं जा रहे सी के, अगर पूछे जा रहे होते तो हमारा आंसर यहीं तक होता। हमसे क्या पूछा जा रहा है यहां पर, हमसे यहां पूछा जा रहा है मास ऑफ सी। तो जैसे ही आपके पास मोल आए, आप उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान है ये, तो इस तरह से गुरु मंत्र बहुत आसान है। एक और बार ट्राई करते हैं, प्रोड्यूस मास ऑफ सी आपको निकालना है, और आपको इस वक्त बी का मास दिया हुआ है, तो आपको बी का मास दिया है उसको मोल में चेंज करो, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। ध्यान से सुनिएगा मेरा ये पॉइंट भी, ध्यान से सुनिएगा, जिसका मास दिया है मोलर मास भी उसी का डिवाइड करिएगा, किसी और का नहीं होता। तो जिसका मास है उसी का मोलर मास डिवाइड होता है, तो मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, किसके मोल हो गए, बी के हो गए। लेकिन अभी आपका काम नहीं खत्म हुआ, आपको क्या करना है आगे, आपको ये तो बी के मोल है, आपको किसके निकालने हैं, सी के। तो क्या करेंगे, जिसके मोल निकालने हैं उसका कोफिशियंट ऊपर तो, और जिसके दिए गए उसका कोफिशियंट नीचे, तो इसको क्या लिख देंगे, सी बाय बी, क्या कर देंगे इसको, सी बाय बी। इज दैट क्लियर? तो ये सी बाय बी कर दिया, अब आगे इससे मोल आ गए, मोल आ गए तो अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया इजी। तो यहां पर आपको समझ में आ गया मोलर मास ऑफ सी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को और आगे करते, रिक्वायर्ड मास ऑफ ए, अगर हम बात करते हैं रिक्वायर्ड मास ऑफ ए, हमें पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिएक्टेड, और दिया क्या जा रहा है, सपोज सी दिया जा रहा है, तो जिसका मास दिया गया है उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे, मोल आ गया, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करते मोल आ गया। अब मोल से आपको क्या निकालना है, ए के मोल निकालने, तो कैसे निकालोगे,
जिसके निकाल रहे हैं उसका कोफिशियंट ऊपर ए और जिसके दिए जा रहे हैं उसका कोफिशियंट नीचे सी। अगर आपसे यहां पर मास निकालना है, हमें तो मोल निकाल रहे, तो अब उस मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप किससे कर दो, जल्दी बोलो, उसको किससे करोगे, ए से, मोलर मास ऑफ ए। तो बहुत आसान है, आपने मोल निकाला, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको सिर्फ मोलर मोल ही पूछे जा रहे थे, आप यहीं तक छोड़ देते, आपका आंसर आता था और आपके दिमाग में और आ रहा होगा, सर ये तो मोल निकाल दिया। अगर वॉल्यूम पूछा जाता तो क्या करते, तो यहां तक आपके पास क्या आ गए, मोल आ गए। मोल को कहां से करोगे, जल्दी बताओ, मोल आने के बाद आप उसको पीवी इक्वल टू एनआरडी में पुट करके सीधा क्या निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। और अगर एसटी भी दिया है तो आप सीधा जो मोल है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करो, आपको सीधा आंसर क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान है कॉन्सेप्ट। चलो एक दो और एग्जांपल करते हैं, तब तक आप इसको लिखो। हाँ तो बच्चों, हमने जो अभी स्टोइचोमेट्री पढ़ा है उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा एग्जांपल पे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए इस एग्जांपल में क्या है, ए सैंपल ऑफ KClO3, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं KClO3 को, ऑन डिकम्पोजिशन यील्डेड 448 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। हम पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो O2 गैस प्रोड्यूस होती है। आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हो लाइक MnO2 एक्सेस्ट्रा, तो ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाती है। और आप STP पे O2 गैस की बात कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि STP पर के पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज नहीं होता, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। लेकिन ठीक है, हमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं। आगे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन एंड वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस, यानी हमसे हमारे को इस पूरे प्रोसेस में कितना KClO3 लेना पड़ेगा, कितना KCl साथ में प्रोड्यूस होगा और कितना O2 हमारे पास प्रोड्यूस होगा, ये सब बारे में जानकारी देनी है। तो सबसे पहला काम आपके पास क्या रहेगा, आप पहले इक्वेशन समझे कि क्या कैसे हो रही है। ये है KClO3 जो डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज हो रहा है और कितना टेम्परेचर रख रखा है आपने इस जगह, और आपने रख रखा है 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, STP लिखा हुआ है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। किस में डिकम्पोज होगा, KCl प्लस बैलेंस किया O2 को 3/2 O2, इज दैट क्लियर। आपके पास सारे एटम बैलेंस है, यस, यानी ये एक बैलेंस स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन है। अब 3/2 है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस KClO3 कन्वर्ट इन ट्वाइस KCl प्लस 3O2, ये आपके पास पॉइंट रहा। अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, क्या पूछा जा रहा है, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। आप देखिए, आप डायरेक्ट जो भी पूछा जा रहा है आप डायरेक्ट लिख लीजिए, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस यानी WT वेट और O2। आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसको पकड़ने की कोशिश करें, 448 ml, 448 ml, ml को आपने लीटर में चेंज किया, 10, ये तो आपके पास हो गया वॉल्यूम ऑफ O2। अब वॉल्यूम ऑफ O2 में 22.4 का डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, मोल। 22.4 मोलर वॉल्यूम है किसी भी गैस का STP पर, इज दैट क्लियर। तो ये एक फैक्टर है जो गिवन वॉल्यूम को सीधा मोल में कन्वर्ट कर देता है, तो ये आपने मोल में कन्वर्ट कर लिया है। आपके पास मोल आए, अभी वेट नहीं आया, मोल आए वेट नहीं आया, मोल को वेट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे 32। ऐसा करने के साथ ही अब आपके पास O2 का वेट मिल जाएगा, और ये कैलकुलेशंस करने पर आपको आ रहा है, ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, 0.64 आ रहा है, क्योंकि वेट यहां पर ग्राम में आएगा कैलकुलेशंस में। तो ये आपका पहला यानी फर्स्ट पार्ट हो गया, आपने बहुत आसानी से एक ही स्टेप में कर दिया। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली, यानी आप जो KClO3 ले रहे हैं उसका वेट क्या होगा। सैंपल में और भी कोई बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमसे एग्जामिनर सिर्फ ओरिजिनल KClO3 पूछ रहा है। तो चलिए हम क्या लगाएंगे, हमारा गुरु मंत्र लगाएंगे इसके लिए, KClO3 का वेट इसके लिए मोल दिए गए। तो अब आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट WKClO3 कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए, आपको क्या इंफॉर्मेशन है, आपको O2 के मोल दिए गए, कितने मोल दिए गए हैं आपको, 0.02, ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, ये 0.02 मोल है,
ठीक है, 0.02 मोल है। और आपको किसके मोल चाहिए पहले, KClO3 के, तो जिसके चाहिए उसका कॉफिशियंट ऊपर, जिसके दिए गए उसका कॉफिशियंट नीचे, ये आ गए आपके पास KClO3 के मोल। लेकिन हमें तो मोल पूछा ही नहीं जा रहा था, हमसे क्या पूछा जा रहा था, मास। तो मोल आ गए तो मास भी आ जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, KClO3 का मोलर मास 122.5 होता है। ये आपको एटॉमिक वेट दिए हैं, इससे आप मास निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑलरेडी मैं जानता हूं, मैंने लिख लिया है। तो ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ही 1.6 आ रहा है, 634 ग्राम। तो इस तरह से ये आपके पास किसका मास आ गया, KClO3 का। थर्ड पॉइंट आपसे एक और पूछा जा रहा है, KCl का कितना मास प्रोड्यूस होगा साथ के साथ, ठीक है। तो आपको कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जिस पॉइंट पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी, यानी कि O2 के मोल, O2 के मोल कितने थे, 0.02, कितने मोल है, 0.02। O2 के मोल हम निकाल चुके हैं, कैसे निकाला था, जो वॉल्यूम था उसको लीटर में चेंज करा, 22.4 का डिवाइड करा, 0.02 आया। अब 0.02 मोल आ चुका है किसका, O2 का। हमें किसका निकालना है, KCl के मोल, KCl के मोल निकालने, जिसके मोल निकालने हैं उसका कॉफिशियंट ऊपर, जिसके दिए हैं उसका कॉफिशियंट नीचे, ये मोल आए। फिर हमें याद आया, भाई हमें तो यहाँ पर वेट निकालना था, हमने मोल निकाले, कोई बात नहीं, जो आपके पास मोल आए उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास कितना है KCl का, वो आप देख लीजिएगा। तो KCl का पोटेशियम का आप जानते हैं कितना है, 39, प्लस क्लोरीन का कितना है, क्या है यहाँ पर, 35.5। तो इस तरह से आपके पास कैलकुलेशन रहेगी, और ये कैलकुलेशन करने के बाद 0.9937 ग्राम आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, अप्रोच मैंने बता दी, इसको लिखें जल्दी से। देखो स्टोइकोमेट्री हमने किया, उसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, आप एक बार पढ़ें इसको। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट वॉज ट्रीटेड बाय ए सीरीज ऑफ रिएजेंट्स सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी हमें फाइनल प्रोडक्ट पता लगाना है। हो ये रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको K2CO3 दिया जा रहा है जो कि किसी और रिएजेंट में कन्वर्ट हो रहा है, और बनने वाला रिएजेंट किसी और में, और फिर बनने वाला रिएजेंट किसी और में, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, K2ZN3FeCN6 2। इस तरह के जो भी ब्रैकेट बने होते हैं इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है, और नंबर ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन यहां पर हो रही है, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। तो लिखें इसको, ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट फाइनल इसमें चेंज हो गया, और हमें ये बताया गया है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कार्बन जो है वो यहां पर कंजर्व है और फाइनली इसमें कन्वर्ट हुआ है, यानी कि हम यहां पर एनालिसिस कर रहे हैं किसका, कार्बन का। तो ये पूरा पॉइंट में जितना कार्बन यहाँ है उतना यहाँ है, तो आपको सिर्फ कार्बन बैलेंस करना है और कुछ भी नहीं। जब भी इस तरह से कंसेप्चुअली क्वेश्चंस दिया जाए तो आपको बताया जाएगा ऑल कार्बन कन्वर्ट टू दिस दिस दिस। तो इसका मतलब यहाँ कार्बन के कितने एटम है, 6 अंदर है, 6 × 12 आपके पास है। तो आप कुछ नहीं करिए, बस इसका कॉफिशियंट 12 कर दीजिए, बाकी के एटम को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ निकल रहे होंगे। तो क्या ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज का ध्यान रखें जो मैंने बोला है कि सिर्फ कार्बन को बैलेंस करना है और कुछ किसी को भी नहीं। और अब हमारे गुरु मंत्र तैयार है, तो गुरु मंत्र कैसे अप्लाई करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर कैलकुलेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट। अब बिल्कुल लिख लीजिए वेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, यानी K2ZN3FeCN6 2। Is that clear? तो वेट निकालना है हमारे को प्रोडक्ट का, इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, हम सर्च करें क्वेश्चन में, तो हमें K2CO3 का वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 27.6 ग्राम दिया गया है। ये क्या दिया है, वेट। वेट को पहला काम क्या होता है, वेट को किस में कन्वर्ट करना, मोल में। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप,
जिसका वेट दिया है उसी का मोलर मास डिवाइड करेंगे और K2CO3 का मोलर मास है आपके पास 138 ग्राम पर मोल। तो आपने यूज किया, अब ये किसके मोल आ गए, KClO3 K2CO3 के। अब आपको किसके चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स के चाहिए, तो जिस कॉम्प्लेक्स के मोल चाहिए उसका कॉफिशियंट ऊपर, जिसके मोल दिए गए उसका कॉफिशियंट नीचे। तो अब ये फैक्टर एक तरह से कन्वर्जन फैक्टर है जो गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट को सीधा किस में पटकेगा, प्रोड्यूस मोल ऑफ प्रोडक्ट में। तो ये अब आपके पास मोल आ गए, लेकिन हमें तो मोल निकालना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है, मास। क्या निकालना है, मास। मोल से मास कैसे निकालेंगे, आप अच्छे से जानते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 698 इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मोलर मास है, और ये मोलर मास आपको दिया नहीं जा रहा है, क्या पोटेशियम का एटॉमिक वेट जानते हैं, तो ये ऐड करके आप इसका मोलर मास निकाल देंगे। फिलहाल मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया है, ये कैलकुलेशंस करेंगे, आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास 11.6 इसका आंसर आएगा ग्राम 10। तो लिख लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, फास्ट एक लाइन में मैंने कर दिया, आपको भी एक लाइन में ही करना है।